मैदान कुशवाहा और आप देख रहे हैं हेल्थ न्यूज। देखते हैं जनपद से जुड़ी कुछ खास खबरें। बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने का सपना प्रत्येक माता पिता का होता है। व्यक्ति मेहनत मजदूरी करके बच्चों को निजी स्कूलों में पढ़ाने की तमन्ना रखता है, उसे पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत भी करता है। लोगों की धारणा है कि प्रसिद्धीय स्कूलों में शिक्षण कार्य नहीं होता, इसलिए निजी स्कूल ही बेहतर है। निजी स्कूलों में अच्छी शिक्षा मिलने के भ्रम को दूर करने के लिए फिरोजाबाद के यह शिक्षक दंपति ने अपनी बेटी का प्रवेश सरकारी स्कूल में कराया। आंगनवाड़ी केंद्र से लेकर कक्षा 5 में अध्ययनरत छात्रा को सरकारी स्कूल में ही बेहतर शिक्षा दिलाने को प्रयासरत हैं। लोगों की इस भ्रांति को दूर करने के लिए उन्होंने अपनी इकलौती बेटी का प्रवेश सरकारी स्कूल में कराया है। उनका उद्देश्य है कि सरकारी स्कूलों में शिक्षण कार्य को बेहतर बनाया जा सके, जिससे लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजना प्रारंभ करें। जब हमारे संवाददाता रविंद्र गौतम से बातचीत हुई तो उन्होंने बताया, मेरा नाम है डॉक्टर लक्ष्मी देवी शर्मा, मैं उच्च प्राथमिक विद्यालय रमाकांत उच्च प्राथमिक विद्यालय हुमायूंपुर नगला पचिया फिरोजाबाद में विज्ञान अध्यापक के पद पर कार्यरत है। आपकी जो एक बच्ची है वो प्राथमिक विद्यालय में पढ़ रही है सरकारी में, आपको कैसा लगता है और क्यों पढ़ाना चाहती हैं उसमें? ऐसा मेरा शुरू से ही यह उद्देश्य रहा है कि मैं भेदभाव नहीं करती, जैसे मेरा बच्चा वैसे ही मैं जहाँ पढ़ाती हूँ वह भी मेरे बच्चे हैं। मैं कथनी करने में अंतर में विश्वास नहीं करती, इसलिए ही अपनी बच्ची को उस विद्यालय में पढ़ाती हूँ। सामान्य रूप से देखने में आता है कि जो नागरिक हैं, जनता है, वो अपने बच्चे को तो सरकारी शिक्षक बनाना चाहती है कि सरकारी शिक्षक बने या सरकारी किसी भी पद पे पहुँच जाए, खूब मोटी मोटी तनख्वाह मिले, लेकिन पढ़ाते प्राइवेट स्कूल में। और मूल उद्देश्य है शैक्षिक उत्थान का कि मेरे बच्चे को देखकर, क्योंकि हम ज़्यादातर अभिभावकों से संपर्क करने के लिए जाते हैं तो वो हमसे यही कहते हैं कि मैडम अपने बच्चे का, हमारे बच्चे का भविष्य खराब करने के लिए आप हमसे कह रही हैं कि सरकारी स्कूल में नाम लिखवा दीजिए, तो हम निरुत्तर हो जाते थे। तो ऐसे बहुत से अधिकारी हैं जिनके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, इसमें आपका क्या कहना है? मेरा उनसे भी करवध निवेदन है, सादर विनम्र अनुरोध करती हूँ कि वे भी हमारे सरकारी विद्यालयों में ही पढ़ाएं, क्योंकि वो सरकारी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं। और प्रशासन से भी मेरा यही मांग है कि जो बच्चों को माँ बाप पढ़ा रहे हैं, सरकारी होते हुए सरकारी विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, तो उस बच्चे को रोल मॉडल बना के उसे पुरस्कृत करें, प्रोत्साहन दें, और जिससे समाज का जागरूक और शिक्षित अभिभावक भी इस ओर, इन सरकारी विद्यालय की ओर प्रेरित हो सके। ऐसे कितने अधिकारी हैं जिनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं? ऐसा बिल्कुल सही आकलन तो मैं नहीं दे सकती, लेकिन मेरी नज़र में फिरोजाबाद में एक आधी कोई ऐसा शिक्षक होगा जिसने हमसे प्रेरणा ली। मेरी बच्ची तो जब से मैंने उसको शिक्षा दिलानी शुरू की है आज तक किसी भी प्राइवेट विद्यालय में नहीं गई। बचपन में उसको आंगनवाड़ी में मैंने उसको पढ़ाया है, फिर जहाँ मैं टीचर थी पहले वहाँ पढ़ रही है, और अब आप देख ही रहे हैं मैं जूनियर में शिक्षिका हूँ, लेकिन प्राथमिक में मेरी शिक्षिका शिक्षा प्राप्त कर रही है। आपका रमेश कुमार है, हिंदी से हूँ और ब्लॉक फिरोजाबाद में, एक यहाँ उसायनी प्राथमिक विद्यालय में, और एक बच्ची सरकारी माता पिता की वो या पढ़ रही हैं उसमें, ऐसे और कितने अधिकारी हैं जो प्राथमिक विद्यालय पढ़ रहे हैं सरकारी स्कूल में? ऐसे और भी अध्यापक हैं और कर्मचारी भी हैं हमारे जनपद में जो अपने बच्चों को बेसिक में पढ़ा रहे हैं, उनको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, वो बधाई के पात्र हैं कि हमारे बेसिक पर वो विश्वास कर रहे हैं और शिक्षा में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। और जो नहीं, और ऐसे बहुत से अधिकारी ऐसे हैं जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं आप? उनसे हम सबसे यही चाहेंगे कि बेसिक पर विश्वास करें, और बेसिक में बहुत अच्छा शिक्षा का नॉलेज है, इसमें सारी सुविधाएं फैकल्टी सब मिलती है, सरकार हमारी बहुत ध्यान दे रही है बेसिक पर और शिक्षा में सुधार है, तो सभी लोगों से हम चाहेंगे कि वो अपने बेसिक में बच्चों को पढ़ाएं। और क्या नाम है आपका? प्रगति। आपकी जो मम्मी जी हैं ने यहाँ पर आपको सरकारी प्राइमरी स्कूल में पढ़ाया है, आपको कैसा लगता है यहाँ पर? अच्छा लगता है। पढ़ाई कैसी होती है यहाँ पर?